नमस्कार। सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में तिहाड़ जेल बंद पहलवान सुशील कुमार अब जेल में टीवी देख पाएंगे। दिल्ली जेल प्रशासन ने तिहाड़ जेल बंद दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को 23 जुलाई से शुरू हो रहे ओलंपिक खेल से पहले गुरुवार को अपने वार्ड के साझा क्षेत्र में टेलीविजन देखने की अनुमति दी है। दिल्ली जेल के महानिदेशक ने बताया कि हमने सुशील कुमार को अन्य लोगों के साथ अपने वार्ड के साझा क्षेत्र में टेलीविजन देखने की अनुमति दे दी है क्योंकि कल से ओलंपिक शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा कि उससे पहलवानी के मैचों और जेल के बाहर की अन्य गतिविधियों से अपने आप को रूबरू रखने के लिए अपने वकील से मार्फत अनुरोध किया था। पहलवान सुशील कुमार को तिहाड़ जेल में अब टीवी देखने की अनुमति मिल चुकी है और 23 जुलाई से शुरू हो रहे ओलंपिक खेल देख सकेंगे। बता दें कि पूरा मामला सुशील कुमार को दिल्ली के मुंडका क्षेत्र से 23 जुलाई को सह आरोपी अजय कुमार के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसने और उसके साथियों ने किसी संपत्ति विवाद के चलते 4 और 5 मई की रात को दिल्ली के छत्राल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ और उसके दो मित्रों को कथित रूप से पीटा था। बाद में सागर धनखड़ की मौत हो गई थी और बाद में करीब 18 दिन फरार रहने के बाद सुशील कुमार को उसके साथी के साथ दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जेल प्रशासन के मुताबिक सुशील कुमार सेल के कॉमन एरिया में अन्य कैदियों के साथ मैच देख सकेगा। जेल अधिकारी मुताबिक जेल बंद करीब 16,000 अन्य कैदियों को यह सुविधा दी गई है। कैदी जेल में लगे करीब 500 LED TV पर मैच देख सकेंगे। सुशील कुमार के सेल में जेल प्रशासन ने टीवी लगाने की अनुमति नहीं दी और सुशील ने 2 जुलाई को अपने वकील के जरिए तिहाड़ जेल प्रशासन को एक पत्र लिखकर उसके सेल में टीवी लगाने की मांग की थी, लेकिन जेल प्रशासन ने अब उसे साझा क्षेत्र में टीवी देखने की अनुमति दी है। वकील के जरिए लिखे पत्र में उसने कहा था कि वह कुश्ती के मैचों के साथ साथ जेल के बाहर होने वाले अन्य गतिविधियों की जानकर रखना चाहते हैं, इसलिए उसके सेल में टीवी की सुविधा प्रदान की जाए। जेल अधिकारी ने उसके इस मांग पर गौर करते हुए उसके सेल कॉमन एरिया में टीवी की व्यवस्था की है। जेल अधिकारियों का कहना है कि सुशील अन्य कैदियों के साथ वह मैच और टीवी पर आने वाले अन्य जानकारी ले सकेगा। सागर धनखड़ की हत्या के आरोपी सुशील को गिरफ्तार करने के बाद उसे मंडोल जेल में रखा गया था, लेकिन बाद में सुरक्षा कारणों से उसे तिहाड़ जेल नंबर 2 के एक सेल में शिफ्ट कर दिया गया था। इस प्रकार तिहाड़ जेल में बंद पहलवान सुशील कुमार अब 23 जुलाई से शुरू हो रहे ओलंपिक खेल देख सकेंगे।